शोभशम की परिभाषा दोबारा देखते हैं तो हम पेज नंबर इसमें 50 निकालना है पंचलब्धि के पुस्तक में। ये मैं परिभाषा बोलूंगी, आपको रिपीट करना है। ये दूसरे पैराग्राफ में एक शोभशम की परिभाषा इस प्रकार है, लिखा है ना चौथी लाइन में। मैं एक एक थोड़ा वाक्य बोलूंगी तो आप रिपीट करेंगे, परिभाषा याद होगी तो उसका मर्म भी समझ में आ जाएगा। देखो, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षोभशम कहते हैं। इसको कहेंगे कर्म का क्षोभशम होना। इसमें हमने क्या क्या देखा है, तो जो देखो हमने देखे ये क्षोभशम कौन सी कर्मों में होता है पहले ये नक्की करें। क्या हमने कभी वेदनीय का क्षोभशम सुना है? नहीं। आयु का क्षोभशम नहीं सुना है, नाम कर्म का क्षोभशम नहीं सुना है, और गोत्र का सवाल ही नहीं है। तो क्षोभशम सुना है तो किसमें किसमें सुना है? ज्ञानावरण का होता है, दर्शनावरण का हो रहा है, सम्यक्तों में भी हमने देखा क्षोभशम सम्यक्त भी है, क्षोभशम चारित्र भी है, उसमें भी पाया जाता है, मोहनीय में भी, और फिर अंतराय का भी क्षोभशम पाया जाता है। तो उसमें कभी केवल ज्ञानावरण का क्षोभशम सुना है, केवल दर्शनावरण का क्षोभशम नहीं। इसका अर्थ क्या है कि सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है, उसमें क्षोभशम नहीं पाया जाता। जिन प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं उन्हीं प्रकृतियों का क्षोभशम पाया जाए। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ, तो उसका नाम है देशघाती प्रकृतियाँ। प्रकृति देशघाती होने पर भी ये जो अनुभाग बताने वाले स्पर्धक है वो दोनों ही जाति के पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हमने ज्ञानावरण पर भी गठित किया था। ये संज्वलन प्रकृति कैसी है देशघाती के सर्वघाती, आप देख के भी बता सकते हैं देशघाती। तो संज्वलन प्रकृति में, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ में कौन कौन से स्पर्धक हो गए, कौन बताना चाहता है? संज्वलन प्रकृति जो है ना, क्रोध मान माया लोभ, उसके जो स्पर्धक है उनके नाम क्या हो गए? हाँ आप बताना चाहते, हाँ बोलो। आप कहते हैं दारू का अनंतवा भाग और लता भाग, क्या ये बात सही है? हाँ बोलो, कोई बताना चाहते हैं? अश्विन भाई को परमिशन नहीं है। हाँ हाँ नीरेन भाई, बहुत अच्छा। ये देशघाती प्रकृति है, हमें क्या देखा हमने, जो जो देशघाती प्रकृति है उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है। संज्वलन का सर्वघाती का उदय हो जाए तो क्या होगा? संयम प्रकट नहीं रहेगा, संयम होने नहीं देता। संयम का घात करने वाली है ना वो, क्या कहा? संज्वलन का उदय हो, कैसा? सर्वघाती का। हमें आपको संयम है क्या? नहीं। तो हमारे संज्वलन का उदय चल रहा है कौन से? सर्वघाती स्पर्धकों का। मुनिराजों को संयम है तो उनके सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है? देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। तो वहाँ संज्वलन के जो सर्वघाती स्पर्धक है उनके उदय का अभाव है, परंतु सत्ता में तो है तो उसको कहेंगे सदवस्था रूप उपशम चल रहा है, और उनके संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर? इनके ये संज्वलन जो है उसका क्षोभशम हो रहा है, चारित्र मुनि का वहाँ क्षोभशम चल रहा है, इसलिए मुनियों को वहाँ हम कहेंगे उनका संयम भी चल रहा है, भले संज्वलन का उदय है।
क्योंकि संज्वलन का उदय तो छठे वाले को भी है, सातवें वाले को भी है, आठवें वाले को भी है, नौवें वाले को भी है, हैं, और दसवें वाले को मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय है। तो यथा योग्य वहाँ उनकी अवस्था जो बन रही है, हम छठे सातवें के सामान्य बात करेंगे, श्रेणी वाली बात हम यहाँ नहीं उठाएंगे, क्योंकि फिर उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या हो रहा है, संज्वलन का उदय है। हम बार बार हमने देखा है 28 मूल गुण पालन, 28 मूल गुण पालन करने का भाव है, ये क्या है, तो कषायों का कार्य है, ऐसा आता है कि नहीं वहाँ, क्योंकि वो शुभ भाव है, शुभ भाव है नहीं, वो कषाय है, मंद कषाय है, तो मंद कषाय है तो उसमें कोई ना कोई पुराने कर्मों का उदय आदि कुछ चलता होगा, तो किसका उदय चल रहा है, संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है। तो वहाँ हम क्षोभशम चारित्र नाम देंगे उसका नाम, ख्याल में आई ये बात, ये संज्वलन की बात होती है। ऐसे ही अंतराय में घटाना है, तो अंतराय जो है वो देशघाती प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कौन कौन से हो गए, कौन बताना चाहता है अंतराय कर्म में? हाँ बोलो, सर्वघाती और देशघाती। हाँ, उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती, तो चारों के नाम क्या हो गए, लता, दारु, अस्थि और का, हाँ, शैल। तो ये जो है चारों, इन्हें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, तो ये अंतराय कर्म जो है वो देशघाती प्रकृति है, और उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कौन से जीव को चलता रहेगा, मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न, फिर सुनना, अंतराय कर्म का सर्वघाती का उदय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कौन से जीवों के होगा या कौन से गुणस्थान वालों को होगा, आप कुछ कहना चाहते हैं, भले ना भूल हो तो निकल जाएगी, उसमें क्या है, हाँ, किसको होता है, क्या कहा आपने, अंतराय का, मैंने क्या पूछा, सर्वघाती का उदय किसको होता है, स्पर्ध का, निगोदिया को होता है, हाँ, यानी वो वीर्य से रहित हो जाएगा, अभव्य को भी नहीं कहेंगे हम, किसी को नहीं होता। जैसे हमने मति ज्ञानावरण का देखा था कि पर्याय में मति ज्ञान का तो छोड़ा में छोड़ा, थोड़ा में थोड़ा अंश तो प्रकट रहेगा ही रहेगा, मति ज्ञान से रहित कोई छद्मस्थ हो जाए ऐसी बात नहीं बन सकती। ऐसे ही वीर्यांतराय का भी स्वभाव का अंश प्रकट रहेगा ही रहेगा, सर्वघाती का उदय हो जाए और उसका बिल्कुल वीर्य नष्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब जब ज्ञान की पर्याय होती है तो अकेला ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, उसमें हमेशा ज्ञानावरण के साथ वीर्यांतराय को लिया है, जो हमारी आपकी ज्ञान की पर्याय हो रही है, ज्ञानावरण का तो क्षोभशम है ही है, साथ साथ में वीर्यांतराय का भी क्षोभशम है। तो ये वीर्य से रहित भी कोई जीव नहीं है, जैसे ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं है वैसे वीर्य से रहित भी कोई जीव नहीं है, उसका कोई ना कोई सूक्ष्म अंश तो वहाँ प्रकट रहेगा ही रहेगा। हम तो वीर्य ने शरीर का बल उसको समझते, वो बात नहीं है, जीव की, हाँ, आत्मा की बात चल रही है, आत्मा के अपने गुण की बात चल रही है यहाँ पर।